हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाला बच्चों का नाश्ता, हेल्दी एंड टेस्टी फ्रेंच टोस्ट। इसके लिए मैं अंडे को एक बाउल में फोड़ लेती हूँ। यहाँ मैं 5 अंडे ले रही हूँ, आप अपने आवश्यकता अनुसार लीजिए। अब इसमें डाल दूंगी कुछ सब्जियां, कद्दूकस किया हुआ गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, अब इसे अच्छी तरह फेंट लूंगी। घोल हमारा देखिए बनकर तैयार है। अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। देखिए इस तरह का टोस्ट बनाने के लिए मैं पैन को गैस पर रख दी हूँ और ये गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ तेल। आप चाहे तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसे तेल से बना रही हूँ। इसे अच्छी तरह फैला ले रही हूँ। ये ब्रेड मैं पहले से सेक कर रखी थी, अब इसे मैं इस मिक्सचर में डिप करूंगी। इस तरह से पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह डिप कर दूंगी और फिर इसे पैन पर डाल दूंगी। इस तरह से फैला दी। अब इसे दोनों तरफ पलट कर अच्छी तरह सेक लूंगी। अब थोड़ा देर हो गया है, अब इसे देखती हूँ पलट कर नीचे के साइड पका या नहीं। देखिए इधर पक चुका है, मैं पलट देती हूँ जिससे क्या होगा हमारी सब्जियाँ भी पक जाएगी। और ये टोस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये झटपट भी बनकर तैयार हो जाता है। सुबह की भाग दौड़ में झटपट से ये टोस्ट बनाकर बच्चों को दें, वे जी भर कर खाएंगे। तो इस साइड से ब्रेड हमारा पूरी तरह से सिक गया है। अब देखती हूँ कि नीचे का साइड सिका है या नहीं, तो इसे मैं पलट लेती हूँ। देखिए ये भी नीचे के साइड से भी सिक गया है, सब्जियाँ भी हमारी पक चुकी है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इस तरह से कि बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बच्चों को देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए इसे अपने बच्चों को झटपट बनाकर खिलाइए, बहुत ही आसान और टेस्टी तरीका है। तो वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।